तो आज हम हमारी नई गाड़ी को नहीं निकालेंगे, पुरानी गाड़ी में जाएंगे। गर्मी बहुत ही ज्यादा है और हम हमारे डॉग्स के साथ निकले थे क्योंकि हम उनको हॉस्टल ड्रॉप करने वाले थे। हम जाने वाले थे ट्रिप पे। सैड तो बहुत ज्यादा फील होता है, पर जो लोग डॉग्स रखते हैं और संभालते हैं उनको ये फीलिंग और मजबूरी दोनों समझ में आती होगी। रास्ते में वुल्फी ने अंकिता को बहुत ज्यादा परेशान किया और मेरे को बहुत ज्यादा प्यार किया। पता नहीं कहां कहां से घुसने की ट्राई कर रहा था ये। और ये चैम को देखो, इसी में बड़ा चिल मार रहा है। जब तक ये फोन पे बात करी तब तक तो हम पहुंच भी चुके थे। ये क्या भाई, डेड एंड कैसे आ गया? मेरे को लगा शायद से गलत रास्ते में आ गया, इसलिए मैंने पूरा रिवर्स लिया क्योंकि यहाँ पे यू टर्न मारना पॉसिबल नहीं था। इतना छोटा रास्ता था ये, हर जगह के जंगल। फिर पता चला हम गलत रास्ते पे नहीं थे। बहुत टाइम के बाद आया तो ये नया वॉल बन चुका था जिसके उस तरफ था हॉस्टल। घूम फिर के फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो फटाफट इनको गाड़ी से उतार और इनको हॉस्टल के अंदर ले गए। थोड़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड किया क्योंकि तुरंत इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पर ये क्या भाई, इनके बेल्ट के बीच में बुरी तरह से फंस गया था, मुश्किल से निकला। ड्रॉप करने जाने से पहले से ज्यादा ड्रॉप करने के बाद बहुत ज्यादा सैड फील होता है। ये तो हमेशा रोती है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना।